श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 80 घंटे जागे, 121 घंटे तक जागते रहे। बहुत लोग ऐसे हैं तो बोले नहीं, जो जागे जो कभी सोए ना, वो ही चित्त है, वो ही चैतन्य है। इंसान तो एक महीने तक जाग लेगा लेकिन बाद में तो सोना पड़ेगा, और नहीं सोएगा तो बीमार हो जाएगा। और ज्यादा यदि उसने हट कर लिया तो फिर राधे राधे हो जाएगी उसकी। इसलिए बोले चैतन्य परमात्मा ही है जो 24 घंटे चैतन्य रहते हैं। 24 घंटे भगवान जागते रहते हैं, तो परमात्मा ही है जो चैतन्य है। हम आप सब सो जाते हैं रात्रि में, और सुसुप्ति अवस्था में हम सबको ये पता नहीं लगता कि हम कहां पड़े हैं। और सोते समय कोई किसी को मार जाए, काट जाए, तो उसको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में इंसान को अपना आभास नहीं होता है, अभ्यास नहीं होता कि मैं सो रहा हूं। जब सोते समय थोड़ा ध्यान होता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन सोने के बाद जब नींद आ जाती है तो इतनी गहराई में चला जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता। ऐसी स्थिति में कोई कुछ कर जाए तो क्या पता, कर भी सकता है। लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है, वो प्राणवायु के द्वारा उसको जीवित रखे हुए है। हम आप सब सो जाते हैं और परमात्मा प्राणवायु के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं, तो वो 24 घंटे जागते हैं। तो वो ही है चैतन्य, आवे ना दुखी अनुभव करे और चैतन्य रहे तो वो ही परमात्मा श्री हरि कृष्ण ही हैं जो चैतन्य हैं। चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम मानसम सारम सार सरम सरम सर सरम सारम सरम बासरम भावं भाव भवं भवं भव भवं भावं भवं सां भवं माया धाव धवं धवं धव धवं माधव माया धाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं धावं धवं माधवम। वो माधव, माधव माया धाव धवम धव धवम धावम धवम माधवम, वो मायाधिपति माधव भगवान कृष्ण ही हैं जो चैतन्य है। आनंद भी भगवान ही है। तो बोले आनंद किसको कहते हैं? तो बोले जिसको प्राप्त करके आनंद आवे। तो बोले किसी बहुत बड़े महाकंजूस को हीरे किसी को नहीं दी हो, छोटा सा उसका पोता भी रो रहा हो आइसक्रीम के लिए, उसको एक आइसक्रीम भी नहीं खिला रहा है, वो पैसा होंगे कितनी खुशी होगी। क्यों? बोले जब उसको हीरे की खदान में, अब जब कोई ले ना जाए, कोई चुरा ना ले, तो जितना उसको हीरे की खदान में हीरे मिलने से प्रसन्नता हुई, उससे कई गुना उसको चिंता बढ़ गई। उसको प्राप्त करने के बाद चिंता कर, तो बोले लगी है और एक रोटी के लिए तड़प रहा है कि कैसे भी रोटी मिले, कुछ भी मिल जाए। और ऐसे भूखे व्यक्ति को 56 भोग दे दिए जाएं, बढ़िया जो है भोजन प्रसाद, दाल चावल कढ़ी दही बड़े पकौड़े खस्ता कचौड़ी,
कितना आनंद आएगा, वो खूब खाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा उसको। तो बोले इसमें भोजन में आनंद है। हाँ बोले भोजन में तो आनंद है, लेकिन परिपूर्ण आनंद भोजन में भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आनंद जब तक है उसको, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, और जब उसकी भूख समाप्त हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, तो फिर जिसमें आनंद आ रहा था और यदि उसको जबरदस्ती खिला दिया तो वो दुख में बदल जाएगा। अब जिसका पेट भर जाए, कहें लो जी आप एक गुलाब जामुन खा लो, अरे बोले नहीं जी बस बस अब पेट भर गया अब नहीं, अरे बोले नहीं एक तो लो, जबरदस्ती एक गुलाब जामुन दे दिया। तब तक दूसरे उनके और विशेष प्रेमी आए, तो उन्होंने भी एक राजभोग रख दिया। अब जब उनको ज्यादा खिला दिया तो बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ने के बाद धन की हानि, शरीर की हानि, समय की हानि, और जो गुलाब जामुन ज्यादा खाया उसकी हानि, वो और किसी को मिलता। तो जिसको प्राप्त करने के बाद आनंद की अनुभूति हो रही थी, आनंद प्राप्त हो रहा था, उसी को प्राप्त करने के बाद अत्यधिक ग्रहण करने से उसको उसमें दुख में बदल गया। तो बोले भोजन करने में भी आनंद नहीं है। बोले आनंद तो उसको कहते हैं जो तीनों कालों में रहे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और हमेशा रहे, कभी नष्ट ही ना हो, आनंद उसको कहते हैं। तो बोले ऐसा आनंद तो किसमें है? बोले ऐसा आनंद कंद ब्रज चंद्र श्री कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो बोले अत्यधिक आनंद बोले कृष्ण कन्हैया के चरणों में है, लाला की भक्ति में है, लाला कन्हैया के नाम गुणानुवाद में है, लाला कन्हैया के गुण कीर्तन नाम में ही आनंद है, और तो सब दुख देने वाले ही हैं। कन्हैया का नाम लो, चाहे भूतकाल में लो, वर्तमान काल में लो, भविष्य में लो, आनंद ही देगा। उसमें कोई ना तो किसी प्रकार का व्यवधान है, ना कोई कष्ट है, और ना ही कोई अशांति है। नंद बाबा के यहां पर कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा के यहां इतनी अपार संपत्ति थी, इतना अपार धन था कि नंद बाबा के यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। खजाने खुले हुए थे, याचक नाचक वाचक राचक जितने भी हैं सब के लिए दरवाजा खुला है नंद बाबा का। अत्यधिक दास दासियां सेवक और नौलख गाय नंद बाबा घर नित नयो माखन होए। बाबा नंद के यहां 125,000 गऊएं थी, इतनी गऊएं किसी के पास नहीं थी ब्रजमंडल में, 84 कोस में। ब्रज के राजा थे नंद राय जी, उनके पास क्या कमी थी? सब कुछ था, धन दौलत थी, माल खजाना था, भोजन इत्यादि 56 भोग सब कुछ था, लेकिन नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ये कभी नहीं बोला गया। कब बोला गया? जब नंद के लाला भय तब बोला गया, उससे पहले किसी ने नहीं गाया। नंद के आनंद नहीं हुए उससे पहले। बाकी सब कुछ था, धन भी था, रुपया पैसा था, नौकर चाकर थे, सेवा सेविकाएं थी, सब कुछ था, 125,000 गऊएं थी, लेकिन नंद के आनंद वह ऐसा कभी नहीं गाया। क्यों नहीं गाया? क्योंकि लाला प्रकट नहीं हुए थे, कृष्ण कन्हैया नहीं आए थे, और जब लाला कन्हैया आए गए तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो बोले आनंद तो लाला कन्हैया के चरणों में है, कृष्ण की भक्ति में है, भगवान के चरणों में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही आनंद स्वरूप हैं। अपार संपत्ति हो और उसके यदि प्रभु प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसके हृदय में आनंद नहीं आ सकता। आनंद तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान की भक्ति में है।
इसलिए फिर नंद बाबा के यहाँ बोला गया, जब लाला कन्हैया का जन्म हो गया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय हो। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय। Thank you.
माला की। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, तो आनंद भी भगवान कृष्ण का ही रूप है। जो कभी दुख में ना बदले, निरंतर 24 घंटे आनंदमय रहे, उन्हीं का नाम आनंद स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। तो सत चित आनंद सुख स्वरूप परमात्मा है। सत्य भी भगवान सही है कृष्ण है, चित्त भी भगवान कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। सत चित आनंद सुख स्वरूप परमात्मा है, जो तीन रूपे हैं, अनेक रूपे हैं उनके। वो परमात्मा एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। अनोरणीयान महतो महिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप परमात्मा का है, और विराट से विराट रूप भी। कुरुक्षेत्र में भगवान को विराट रूप दिखाते हैं भगवान, दुर्योधन की सभा में भगवान विराट रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान आनंद सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद के सागर हैं। सिंधु की उपमा दी है, सिंधु माने सागर समुद्र, और समुद्र में कितना जल है उसकी कोई था नहीं है। तो भगवान भी आनंद के सागर हैं, जिनकी शरणागति में आनंद ही आनंद है, वहां कोई शोक मोह भय ये तीनों नहीं है। शोक मोह भयापहा, भगवान की शरणागति में आने से शोक मोह भय ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, तीनों ही चले जाते हैं। किसके गए? बोले बच्चे से लेके वृद्ध तक कोई भी इनकी शरण में आ जाए ठाकुर जी की, श्री नंद नंदन यशोदा नंदन कन्हैया श्री कृष्ण की शरणागति में आ जावे, तो बोले शोक मोह भय तीनों ही दूर हो जाते हैं। और ये तीन ही ऐसी विडंबना वाले हैं कि यदि शोक मोह भय तीनों में से एक भी किसी के पास आ गया तो वो भक्ति नहीं करने देता, भगवान की तरफ नहीं ले जाने देता, भगवान से नहीं मिलने देता। यदि कोई शोक में डूबा है उससे कहो भजन करो, नहीं करेगा, और भजन करेगा तो वो शोक ही दिखाई देगा। अब कोई मोह है किसी को, तो मोह में भी भगवान नहीं भज सकता, क्योंकि मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। समस्त व्याधियों का मूल है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और बोले कोई भयभीत है तो भी भजन नहीं कर सकता, उसको भय किसी से है, उसका दुश्मन है कोई, और दुश्मन से बहुत भय है, उससे कहो तुम भजन करो, भजन तो करेगा लेकिन दुश्मन दिखाई देगा उसको। तो शोक मोह और भय
ये तीनों भगवान की भक्ति में बाधक हैं, लेकिन बोले जो शरण में कृष्ण की आ जाता है तो ये तीनों ही उसके नष्ट हो जाते हैं, शोक मोह भयापहा। भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, शोक मोह भयापहा। उसके हृदय में भक्तिरुत्पद्यते पुंसा पुंसा, उसके हृदय में भक्ति उदय हो जाती है और शोक मोह भय तीनों नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको कोई ना चिंता आती है, ना कोई भय होता है और ना किसी से मोह होता है। वो सबके साथ रहता है, सब में रहता है, लेकिन सबसे अलग रहता है। जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है, पंकज देखिए जल से ही उत्पन्न होता है, कीचड़ से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो सबसे अलग होता है। जल के अंदर जो कीचड़ होती है जल की, तालाब में कुंड में, तो उसमें कमल पुष्प जो उगता है तो वो कीचड़ से ही उसका अंकुर निकलता है और आगे ऊपर आकर के जल के ऊपर खिल जाता है। उसका जीवन जल है लेकिन वो जल से अलग है। फिर आप कमल पुष्प की पंखुड़ी पर थोड़ा भी जल डालें तो वो चिपकता नहीं है, वो बूंद बन के ढड़क के निकल जाता है, गिर जाता है। कमल पर जल नहीं रुकता है। तो बोले इंसान भी संसार में ही जन्म लेता है, संसार ही उसका जीवन है, लेकिन संसार से अलग रहे तो शोक मोह भय ये तीनों से मुक्त हो जाएगा। तीनों ही शोक मोह भय को नष्ट करने में भगवान की भक्ति ही सक्षम है। इसलिए भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, शोक मोह को नष्ट कर देती है। बोलो वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, उत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। भगवान की भक्ति ऐसी है, भगवान की कृपा ऐसी है कि संसार की मोह माया उसके ऊपर आकर्षित नहीं करती, उसके ऊपर प्रभावित प्रभाववान नहीं बना पाती है। तो बोले उदाहरण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज को श्री महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत प्रेरणा की और बहुत बुलाया कि हे पुत्र तुम वापस आओ, हमें अभी बात्सल सुख तुमको प्रदान नहीं कराया, हमें भी पुत्र सुख की अनुभूति नहीं हो पाई और तुम जन्म लेते ही घर को छोड़ के जा रहे हो। जी ने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु कृपा करो, और श्री सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र अब तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। बोले हे पिताजी हम बाहर संसार में तो आएंगे, लेकिन पहले श्री योगेश्वर कृष्ण हमारे सम्मुख खड़े हो जाएं और तीन बार त्रिवाचा भरें, तीन बार मुझको वचन दें कि संसार की माया हमको ना व्यापे, संसार की माया हमें मोहित ना करे, तब मैं बाहर आऊंगा। बात करते थे वो माता जी के गर्भ के अंदर से पिताजी से। तो महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान का आवाहन किया, भगवान योगेश्वर कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान ने वचन दिया कि हे सुखदेव आप अपनी माँ के गर्भ से आप अब बाहर संसार में आइए और आपको संसार की माया प्रभावित नहीं करेगी,
आपको मोहित नहीं करेगी। श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही मां के गर्भ से और वो घर छोड़ के जंगल में चले गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज को वापस लाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी उनके पिता जंगल में गए पीछे पीछे, अरे बेटा वापस आ जाओ। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र, अभी तुमको अपनी मां का वात्सल्य सुख प्राप्त नहीं हुआ, हमने भी तुमको अपना पुत्रवत प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, हे पुत्र तुम वापस आ जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, तन्मयता से आतुर हो करके वो अपने पुत्र सुखदेव जी को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्री सुखदेव जी ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनको भगवान का आशीर्वाद मिल गया था कि तुम्हें संसार का ना मोह ना शोक ना भय, ये तीनों नहीं सताएंगे। शोक मोह और भय ये तीनों ही भगवान की भक्ति में बाधा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने मुड़के भी पिताजी की तरफ नहीं देखा, तो पिताजी को अब जवाब कौन दे पुत्र की तरफ से, तो तर्वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम। तो जिन जंगलों में जा रहे थे श्री सुखदेव जी ने तो जवाब भी नहीं दिया, लेकिन वृक्षों की तरफ से जवाब आ रहा है कि हे महर्षि वेदव्यास जी, आप विरहातुर होकर के पुत्र शोक में मोह में भाग रहे हो, आप वापस चले जाइए, आपके पुत्र तो साक्षात भगवान को प्राप्त कर चुके और संसार की माया से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं। ये तीन गुण भी व्यक्ति को सताते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण का भी एक गुण होता है लेकिन वो भी प्रभावित करता है, लेकिन तमोगुण रजोगुण से तो बचना ही चाहिए। तो बोले इन गुणों से भी परे आपके पुत्र हैं, इसलिए तरवो भिने दुस्तरुवर, तरवो माने तरुवर वृक्ष, वृक्षों की से आवाज आती है, हे पुत्र, हे महर्षि वेदव्यास जी आप वापस चले जाइए, ये तो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध देह धारण कर चुके हैं। महर्षि वेदव्यास जी लौट करके वापस आ रहे थे तो एक सरोवर में देवांगनाएं स्नान कर रही थी, तो महर्षि वेदव्यास जी ने प्रार्थना की कि हे देवी हो, हम तो इतने वयोवृद्ध होते हुए और हमारा चिंतन तो भगवान में है, आपने हमको देख के वस्त्र धारण किए, लेकिन हमारा पुत्र तो द्वादश वर्ष का युवा अवस्था में, उनको देखकर आपने कोई वस्त्र धारण नहीं किए। तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया कि हे महाराज, आप में तो ये भी भाव है कि ये स्त्री है पुरुष है इतना जानते हो, आप भी स्वयं भगवान में लीन रहते हो, लेकिन आपको भी इतना आभास है कि यह स्त्री है यह पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र में तो ये भी भाव नहीं है, वो ये भी नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, वो सब में ही परमात्मा दिख रहे हैं।